पहली लाइन जनाब उन्होंने बोली कि वैसे तो शायद आपको अपने ड्रोन के बिना ही जाना पड़ेगा, बट हम देखते हैं। तो मैंने मन में सोचा हमें पता ही था यार, कौन सा तुमने कुछ स्पेशल बोला है। आई मीन तो एम्बेसी मेरे कुछ लोग जानते भी थे मेरे को, दैट आई रिस्पेक्ट, लाइक दे हैव वॉच्ड माई वीडियोज़ बिफोर, टंजानियन सीरीज। बट फॉर हेल्प दे सेड वी आर नॉट श्योर, वी विल गिव इट अ ट्राई। एंड ट्राई के लिए भाई अब यार कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में फालतू का बोलने, बट उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो घर पे बैठ के कमेंट कर सकते हो कि इंडियन एम्बेसी इज़ बेस्ट और ब्ला ब्ला ब्ला। भाई नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। मैं अभी हूँ तेहरान, ईरान में। तो आज मेरा ये दूसरा दिन है ईरान में, और फिलहाल यार आज हम थोड़ा सा बिजी हैं एंड आप लोगों को तेहरान में बाहर चल के यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भाई अभी ईरान में सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। तो इन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इसराइल के साथ एंड कंट्री में, उस वजह से ज़्यादा इफेक्ट ऐसे नॉर्मल एवरीडे लाइफ में नहीं दिख रहा, बट कुछ चीज़ें मैंने भी आते साथ नोटिस करी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी ईरान थोड़ा सा महंगा हो रखा है, यहाँ पे फ़्लाइट टिकट्स भी महंगी हैं, जो टैक्सी वगैरह हैं वो महंगी हो गई हैं, तो पैसे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है। एक ये प्रॉब्लम आई है ईरान में। बाकी सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो लोग बाहर जा रहे हैं, एवरीडे नॉर्मल लाइफ वैसे ही चल रही है। तो आप लोगों को भी भाई इस वीडियो में ईरान के नज़ारे दिखाते हैं अभी वॉर के टाइम पे, तो बने रहिए भाई वीडियो के एंड तक। एंड हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ भी जाना है, तो वो भी स्टोरी आप लोगों से मैं रास्ते में शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार ये भाई हॉस्टल है जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, तो ये सीन है। एंड हॉस्टल का नाम है यार हेरिटेज हॉस्टल, और ये सिटी सेंटर के आसपास है, आप लोगों को गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। एंड यार इसकी बुकिंग भाई booking.com पे नहीं है, आपको एक वेबसाइट पे या इन्हें फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके ही करनी पड़ेगी। एंड या ये भाई हॉस्टल है, बाकी चलते हैं सबसे पहले बाहर और ये वीडियो शुरू करते हैं तेहरान की। एंड मेक श्योर टू कमेंट अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, और अगर आप लोग ईरान का ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक ऑन द कमेंट्स। सो तो जनाब यार फिलहाल हम लोग टैक्सी में हैं एंड इंडियन एम्बेसी की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। तो वैसे यार मेरा मन नहीं था वैसे कॉन्टैक्ट करने का, क्योंकि आज तक जितना भी मैंने कॉन्टैक्ट करा इंडियन एम्बेसी को, यूजली हेल्प नहीं मिली है, या क्वेश्चन ही पुट करा है कि आप लोग यहाँ पे घूमने क्यों आए हो यार, ये पहला क्वेश्चन होता है उनका। बट लेट्स सी दिस टाइम, मतलब यार एट द एंड हम लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है एंड वी आर इंडियन सिटीज़न, आई एम इंडियन सिटीज़न। तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या होता है चल के। और उन्होंने बोला आप लोग, मैंने कल फ़ोन करा था, उन्होंने बोला आप एम्बेसी आ जाना आज, तो मैं जा रही हूँ। एंड तेहरान में यार फिलहाल कुछ नज़ारे ऐसे हैं, ये मेन मार्केट एरिया नहीं है, वापस आके हम लोग मार्केट एरिया भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज गुरुद्वारा साहिब भी जाएं, और आप लोगों को तेहरान में जो गुरुद्वारा है वो मैं दिखाती हूँ, दर्शन करवाती हूँ। तो तेहरान की वीडियो ये, एंड लेट्स सी क्या सीन होने वाला है। एंड ऑल्सो गाइज ये वीडियो मैं DJI में फिल्म कर रही हूँ, तो ये एक तरह से हम YouTube पे देखेंगे कि कैसे फिल्म हुई है DJI Action 5 Pro में। और दूसरी बात ये कि ईरान में भाई टैक्सी आजकल महंगी हो गई है, इसका मैं पे कर रही हूँ ऑलमोस्ट $2। ये एक साल पहले की बात, ये प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर नीचे हुआ है, एक साल पहले की बात करते तो इसका आप पे करते $1 या उससे भी कम। तो बहुत फ़र्क आया देश में, अभी पैसों के दिक्कत है। बट यहाँ लंच के लिए गए हुए थे,
भाई तेहरान की सड़कें हैं, तो राइट नाउ इट वाज ओके आई डोंट नो व्हाई ही सेड अल्लाह अल्लाह. सो गाइस आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ तेहरान ईरान विदाउट हिजाब. सो मैनी ऑफ यू माइट नो दैट लास्ट ईयर नो वन ईयर और टू ईयर अगो देर वॉज अ प्रोटेस्ट अबाउट इट एंड बहुत सारी फीमेल्स हैं जो उन्होंने भाई हिजाब पहनना छोड़ दिया है. सो दे ओनली वेयर इट इफ दे आर इन द ऑफिशियल एरियाज लाइक इफ द पुलिस इज अराउंड बट यूजली दे डोंट मैनी ऑफ देम. तो यहाँ पे चल के देखते हैं भाई खाना वाना कहाँ मिलेगा. एंड ये देखिए भाई ये यहाँ पे दुकान है एंड यू कैन सी लाइक मॉडर्न क्लोथ्स आर ऑल्सो सेलिंग आउट लाइक वेरी मॉडर्न. सो इसमें कोई स्लीव्स नहीं है एंड इज यू नो लाइक वेरी मच नेकेड अकॉर्डिंग टू व्हाट ईरानियन गवर्नमेंट वांट बट इट्स स्टिल यू नो सेलिंग आउट इन पब्लिक. तो या बाकी यार पुराने ज़माने में तो ईरान बहुत एक बहुत ओपन माइंडेड सोसाइटी होता था बट आजकल थोड़ा फ़र्क है. इंडियन रेस्टोरेंट दिस वन थैंक यू. यार इंग्लिश में तो नहीं लिखा हुआ नाम. इज इट दिस वन चल के देख. हेलो इंडियन रेस्टोरेंट वेयर सिटिंग वेयर कैन आई सी मेन्यू. हेलो रेस्टोरेंट हिंद फूड विदाउट और भाई नहीं नो मीट नो फिश नो एग नो एग नो मीट तो no meat, no egg, no chicken, no fish. तो जनाब यार शाम का टाइम हो रहा है एंड मैं एम्बेसी से वापस आ गई थी. कपड़े वगैरह धोए हमने हॉस्टल में और अब हम लोग चल रहे हैं मेन थोड़ा एरिया में गुरुद्वारा साहिब की तरफ. और आप लोगों को यहाँ पे सिख कल्चर रिलीजन और पंजाबी कल्चर की एक झलक दिखाते हैं. यहाँ पे बहुत पुराना गुरुद्वारा साहिब है एंड 1 किलोमीटर है मेरे हॉस्टल से सिर्फ. और एम्बेसी यार एज यूजुअल भाई इन लोगों को हमारी तरफ से पूरा प्रूफ चाहिए. एक लेटर सा ले लिया जो जो चीज़ मैंने ज़ुबानी बोली उसका एक लिखित में ले लिया. एंड देन दे सेड ओके वी विल सी बट वी कैन डू बट वी आर नॉट श्योर. एंड पहली लाइन जनाब उन्होंने बोली कि वैसे तो शायद आपको अपने ड्रोन के बिना ही जाना पड़ेगा बट हम देखते हैं. तो मैंने मन में सोचा हमें पता ही था यार कौन सा तुमने कुछ स्पेशल बोला है. आई मीन तो एम्बेसी मेरे कुछ लोग जानते भी थे मेरे को दैट आई रिस्पेक्ट लाइक दे हैव वॉच्ड माई वीडियोज़ बिफोर तंजानियन सीरीज बट For help, they said we are not sure. We will give it a try. And try के लिए भाई अब यार कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में फालतू का
बोलना, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो घर पे बैठ के कमेंट कर सकते हो कि इंडियन एम्बेसी इज़ बेस्ट और ब्ला ब्ला ब्ला, बट हम लोग जो लोग घूम रहे होते हैं इतने सारे देशों में, लाइक रियलिटी हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसमें मेरे कोई गलती नहीं है, माई ड्रोन इज़ लीगल टू ब्रिंग, है ना, बट स्टिल दे कैन नॉट हेल्प, इमेजिन दैट। दे सेड वी विल जस्ट ट्राई, एंड ट्राई में पता क्या बोला कि हम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को यहाँ पे तेहरान में कॉन्टेक्ट करेंगे एंड दे विल टेल वट कैन बी डन। एंड आई एम लाइक यार, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स हैव नो नथिंग टू डू इन इट, मतलब वट नॉट सेंस। आई मीन यार, वर्स देन इवन यू नो ईरानियन गवर्नमेंट पॉलिसीज। आई मीन ईरान में एटलीस्ट यार उन्होंने मुझे डिफेंस ऑफिस में भेजा कि आप वहाँ पर जाके बात कर लो, इवन दो डिफेंस वालों ने कहा वी हैव नथिंग टू डू इन इट, बट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर का तो यार कोई लेना देना नहीं है। बट एनी वेज यार, आई हैव ज़ीरो होप्स। सो आप लोग वैसे सारी सीरीज़ देखना, लास्ट ऑप्शन तो यही है, आई हैव टू फ्लाई आउट, तभी मेरे को ड्रोन मिलेगा, बट वी विल फाइंड आउट कि क्या सीन रहेगा हमारा। तो एनी वेज गाइज, हम लोग अभी गुरुद्वारा साहिब की तरफ जा रहे हैं, तेहरान में ये नज़ारे हैं फ़िलहाल, एंड देखिए बिल्कुल सनसेट हो रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 बजे हैं, एंड क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। सो या वाओ, बाकी यार मैं आप लोगों से गुरुद्वारा चल के फिर बात करती हूँ। अच्छा जी, ते इत्थे रोज आंदे हो तुसी? अच्छा, तुहाडा भरा है? चलो चलिए भाई, मैं अभी गुरुद्वारे में हूँ। सत श्री अकाल जी, तुहाडा नाम की है? गुरजोत सिंह। ते तुसी तेहरान च जम्मे हो? नहीं, मैं इंडिया च। इंडिया च? अच्छा, फतेहगढ़ साहिब। उत्ते मेरे दादी रहंदी, उत्ते मेरे डैडी वी मोटरसाइकिल ओ कभी एक ओ कहंदे मेरे डैडी। सही गल है भाई। इत्थे किन्ना टाइम हो गया? एक साल हो गया। ठीक है, हाँ जी, कितने इधर आओ, चलो चलिए। अच्छा, मैं एक मिनट कैमरा बंद कर देती हूँ फिलहाल। तो यार अभी फ़िलहाल मैं गुरुद्वारे आ रखी हूँ, जैसा आप लोगों को पता है, एंड यहाँ पे मैं आपकी बात करवाती हूँ, जो कि ईरान में ही इनकी पैदाइश हुई है, और ये आप लोगों को यहाँ पे पंजाबी का एंड सिख लोगों का कल्चर के बारे में बताएंगे, मतलब रहन सहन कितना एंड कितने जनरेशन से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मैं नरेंद्र सिंह चड्ढा हैगा। सब तो पहले तुम दस कि ईरान एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, एक बहुत सेफ कंट्री है, जो कहा जाता है वो बिल्कुल झूठ है। तो असी इतने 4 जनरेशन हो, यानी कि 4 पुश्तों तो असं रह रहे हैं, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे फादर, मैं तो मेरे बच्चे। जी 4th जनरेशन हैगी है, वह तकरीबन सारे ईरानियन नैशनल है, ईरानियन नैशनल का पता है क्योंकि उन्होंने को ईरानी पासपोर्ट है। तो बिफोर रेवोल्यूशन इतने तकरीबन 300-400 फैमिलियां सन, तो लेबर बड़ी आँदी सी काम करने वास्ते। रेवोल्यूशन तो बाद कुछ एक्सचेंज की प्रॉब्लम करके, कुछ बैंक की प्रॉब्लम करके, जी लेबर सी, लेबर सन, डॉक्टर सन, नर्सिस सन, वो चले गए। तो 350 फैमिलियां तकरीबन 150 फैमिलियां रह गई, कुछ अमरीका शिफ्ट कर गए, कुछ दुबई शिफ्ट कर गए, कुछ इंडिया शिफ्ट कर गए। तो यानी कि वह आते जाते हैं, इन्नी कि परमानेंट ईरान ने ईरान में छोड़ता है। तो साढ़ा इतने अपना स्कूल है। तो देखो कमाल की गल ये है कि इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद साढ़ा इतने एक आलिशान गुरद्वारा है। पहले एक डाउन टाउन तेहरान में एक छोटा गुरद्वारा होता सी, 1968 मैं ठीक शायद मे बी आई एम रोंग, गलती शायद मैं कर रहा है। तो ये यानी कि बनया सी गुरद्वारा वड्डा, तो इत्थे हुण भी पीसफुल हैगा, जो कहा जाता है मीडिया विच, इंडिया विच टोटली यानी झूठ हैगा, क्योंकि जिस जिहड़ी बच्ची फिल्म लै रही हैगी है उन्हें भी पता हैगा इत्थे हैगी है, तो सेफ हैगा, तो इत्थे खड़ी होकर फिल्म लै रही है ना, सब झूठ हैगा। बाकी
देखो जी लड़ाई झगड़े तो हर एक कंट्री के पोलीटिकल होंगे रहते हैं उस सब उत्ते साड़ी लाइफ उत्ते कोई फर्क नहीं पाया। सब तो वड्डी जी गल है इतों की गवर्नमेंट जी है सानू पूरी आज़ादी दी अपने रिलीजन के बारे दोबारा एक रिपीट कर रहा है इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद सानू किसी किस्म की कोई तंगी नहीं हैगी है। असं बहुत खुशहाल और बहुत ही सेफ है असी तो सब तो पहले इतने मैं अपनी गवर्नमेंट जी ईरान की हैगी है उन्होंने थैंक्स करता है कि पूरा साड़ा ख्याल रखते हैं। तो दूसरी गल जो सा इंडिया की गवर्नमेंट हैगी सेंट्रल गवर्नमेंट जी बीजेपी गवर्नमेंट हैगी मोदी जी है उन्होंने एक बड़ा व्डा रोल है कि सारे हिंदुस्तानी इतने पूरे सेफ एंड साउंड है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा इस जगह कंट्री दुनिया नहीं है फोर सीजन कंट्री है सेफ्टी हैगी है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सब कुछ ठीक है। तो मैं यही कह सकता है कि बच्ची के थ्रू तुम अगर आना चाहो ईरान आओ तो पूरा पता चलेगा यानी कि पूरा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा कितनी सेफ कंट्री है कितनी अच्छी कंट्री हैगी है। ओके जी वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू। तो आप लोग को भाई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड ये बात मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई ईरान में घूमने में कोई दिक्कत नहीं है रहने में कोई दिक्कत नहीं है लोग फ्रीली रहते हैं। तो बाकी ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। जनाब ये लोकेशन थी जहाँ पे हम लोग आए थे गुरुद्वारा के लिए। अब अंधेरा हो रहा है तो चलते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। यहाँ से हॉस्टल मेरा पड़ रहा है 1 किलोमीटर दूर नॉट मच। तो बाकी सिर्फ 7 बज रहे हैं लेकिन पूरा अंधेरा हो गया जैसे रात के 11 बज रहे हैं। सो इट्स टू डार्क राइट नाउ बट सब बढ़िया। ये भाई ईरान में रात को रोड के नज़ारे हैं। इस तरफ यार एक्चुअली इतना हल्ला गुल्ला नहीं है क्योंकि मार्केट एरिया से थोड़ा सा अलग साइड पे है ये एंड या और यार अपने हॉस्टल में कुछ पाकिस्तान के भी लोग हैं उन्होंने डिनर बना के रखा हुआ है आई थिंक राजमा लोबिया। तो मैं चल के आप लोगों की उनसे भी बात करवाती हूँ। सब बढ़िया बाकी और यार ईरान में वैसे कोई दिक्कत नहीं है आप रात को चल सकते हो इधर उधर। पिछली बार तो मैं बहुत ज़्यादा ही घूमी थी इस बार लेकिन हम थोड़ा सा तहरान से इधर उधर निकल के फिर आगे की सब तरफ सफ़र रहेगा ज़्यादा नहीं घूमती मैं लेकिन हम नॉर्थ ऑफ ईरान जाएंगे सो लेट्स ट्राई टू गो दैट साइड दिस टाइम। बट है थोड़ी सी जगह है निकल के लिए तो जनाब यार अभी मैं हॉस्टल वापस आ गई थी गुरुद्वारे से एंड यहाँ पे डिनर बना हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ राजमा और चावल। तो ये रे भाई ये हमारा डिनर है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी दोस्त लोग हैं मैं आपकी उनसे भी बात कराती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व्यूअर्स आप लोग ठीक हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मैंने ये कोशिश की मैं कोई कुक तो नहीं हूँ लेकिन मैंने आज ये चावल बनाए अपने पाकिस्तानी दोस्त भी थे और ये मानी भी थी इसके साथ हमने ये डिनर इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो खाना बनाने के लिए एंड अपना ये ट्रिप के बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरा अच्छा जा रहा है मैं टूरिस्ट हूँ और मुल्कों की सैर पे निकला हूँ और ये मेरा इस तरफ से पाकिस्तान से पहला कंट्री है। इसके बाद आगे 2-3 कंट्री का इरादा रखता हूँ तो इंशाल्लाह। बाकी ईरान अच्छा है ईरान के लोग अच्छे हैं सफ़र करें बिल्कुल अमन है बहुत अच्छा है और ईरान में लोग तो अच्छे हैं ही हैं। यहाँ पर रहने के लिए ये हेरिटेज होटल हॉस्टल है भारिस्तान के पास है मेट्रो स्टेशन के पास तो ये भी लोग बहुत अच्छे हैं।
तो मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग आएँ और विज़िट करें ईरान को, ज़ियारत भी करें और वैसे भी इस्फहान, शिराज और बाकी जो शहर है इसके देखें और निकला करें सैर पे। सैर ही अच्छी बात है, घूमना बहुत एक अच्छी बात है। सही है, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरुख अब्बास फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, और हम यहाँ आए और मानी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें उसने मौका दिया आपसे बात करने का। तो ईरान निसफ जहाँ से कहा गया, तो ईरान में आएँ आप देखेंगे कल्चर है, सबसे बड़ी बात ये हाइजेनिक है, हर चीज़ हाइजेनिक है, एवरीथिंग इज हाइजेनिक। सो सिविलाइज बहुत हाई लेवल की है, मतलब कमाल है। तो एक सदियों का सफ़र है, तो एक दो चार सालों की बात नहीं है, आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज़ बेटर। बट बातों से नहीं पता चलना, आप आएंगे विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। सही से, ठीक है, शुक्रिया। तो बढ़िया यार, ये हमारा डिनर चल रहा है अभी फ़िलहाल, और उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी देर में या कल ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। सब बढ़िया, थैंक यू। तो जनाब यार, आज दूसरा दिन है एंड मेरे साथ दो दोस्त लोग हैं जो कि ट्रांसलेट कर पा रहे हैं फारसी को। तो ये रहे भाई ये लोग, एक का नाम है इमानी, एक का नाम है रेजा। एंड राइट नाउ यार हम लोग एयरपोर्ट पे आ रखे हैं ड्रोन के सिलसिले में, तो इट्स क्रेजी यू नो, बट वाओ। सो देखते हैं यार बाकी सॉल्यूशन क्या मिल सकता है हम लोगों को, बट नॉट श्योर कि ड्रोन मिल पाएगा कि नहीं, बट लेट्स सी। Thank you.